नमस्कार, ओम शांति। मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जैसा भाव हमारे मन में किसी और के प्रति होता है, वैसे ही भाव उस आत्मा को, उस इंसान को हमारे भाव का अंश पहुंच जाता है और वो भी वैसे ही सोचने लगता है। बहुत पुरानी घटना है, राजा भोज की सवारी निकल रही थी, सब उनकी जय जयकार कर रहे थे। राजा भोज प्रसन्न थे, सबको हाथ हिला के अभिवादन करके उनकी रथ निकल रहा था। कुछ दूर जाने के बाद ही एक व्यक्ति को देखा और राजा को उसको देखते बरोबर एक नफरत सी हो गई। उसके मन में करने लगा राजा भोज के कि इसको अभी मृत्युदंड दे दिया जाए। उन्होंने मंत्री को पास बुला के कहा, वो व्यक्ति को देख रहे हो? कहा, जी महाराज। कहा, मेरा मन कर रहा है कि इसे मृत्यु दंड दे दिया जाए। मंत्री बहुत समझदार था, कहा, महाराज कुछ समय दीजिए। दूसरे दिन राजा भोज ने फिर पूछा, मंत्री कुछ पता चला कि हमारे मन में ऐसे भाव क्यों उठे, जबकि हर किसी को देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हो रही थी, अपने पूरे राज्य के लोगों को देखकर खुशी हो रही थी, लेकिन एकाएक जैसे उस व्यक्ति पे हमारी दृष्टि पड़ी तो क्यों हमारे मन में आया कि इसे जान से मार देना चाहिए, इसे मृत्यु दंड देना चाहिए। कहा, महाराज मुझे 2-3 दिन सोचने का समय दीजिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। कहा, ठीक है। अब मंत्री उस व्यक्ति के पास गया, हालचाल पूछा, कहा, सब कुछ ठीक है। कहा, व्यापार तो लगता आपका बहुत अच्छा चल रहा है। कहा, बहुत अच्छा चल क्या चल रहा है, मैं कुछ दिनों से बहुत परेशान हूँ। कहा, क्यों परेशान है आप? कहा, मेरे पास इतनी चंदन की लकड़ी के बड़े बड़े टाल भरे हुए पड़े हैं, लेकिन कोई चंदन की लकड़ी खरीदता ही नहीं, मैं परेशान हूँ, इसमें मेरा काफी पैसा अटक गया है। तो कहा, इसका कोई रास्ता नहीं है, कोई खरीद ले? कहा, कोई नहीं खरीदते, सब गरीब लोग हैं, एक लकड़ी का टुकड़ा खरीदते हैं पूजा के लिए, जिंदगी भर वो चल जाता है, इतनी लकड़ी कैसे बिकेगी? तो कहा, कुछ सोचा इसके बारे में? हंस के कह दिया, एक ही बात है, अगर राजा मरे, राजा भोज, तो हाँ उनके अंतिम संस्कार के लिए सारी चंदन की लकड़ी बिक जाएगी। मंत्री हंस दिया, उसने कहा, सुनो, कल से रोज एक मन लकड़ी महल में भिजवा दिया करना, राजा भोज का भोजन कल से चंदन की लकड़ी पे बनेगा और जितने पैसे तुम्हारे बनते हैं उतने पैसे तुम्हें रोज मिल जाया करेंगे। चंदन की लकड़ी का व्यापारी तो बहुत खुश हो गया, रोज एक मन लकड़ी मेरी बिक जाएगी, और उसी दिन से सोचने लगा, हे भगवान राजा भोज कभी ना मरे, हे भगवान राजा भोज को बहुत लंबी उम्र देना, क्योंकि वो रहेगा तभी तक तो मेरी लकड़ियाँ बिकती रहेगी। और 2-3-4 दिन एक एक मन लकड़ी आती रही, उसको पैसे मिलते रहे। 5वें दिन वो किसी काम से महल में आया, राजा की उस पर नज़र पड़ी, तो राजा ने मंत्री से बुला के बोला, इधर आओ। मंत्री पास में आया, कहा, मुझे लगता है इस व्यक्ति को कुछ इनाम देना चाहिए। महाराज आप मालिक हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन मुझे एक बात का जवाब दो, 5-6 रोज पहले मैं इसे मृत्यु दंड देना चाह रहा था, आज इसे देखकर मुझे खुशी हो रही है और ऐसा लग रहा है इसे कुछ इनाम देना चाहिए, इसका राज क्या है? तब मंत्री ने कहा, महाराज आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर आपके ही पास है। कहा, मैं समझा नहीं। तब मंत्री ने बताया, महाराज ये चंदन की लकड़ी का व्यापारी है, उस दिन जब आपने इसको देखा था ये बहुत परेशान था क्योंकि इसकी लकड़ियां बिक नहीं रही थी, और इसके मन में ये संकल्प चल रहा था कि अगर आपकी मृत्यु हो जाए तो चंदन की बहुत सारी लकड़ियां खरीदी जाएंगी,
तो वही संकल्प आपको पहुंचे। ये आपकी मौत की राह देख रहा था, तो आपके मन में भी आया कि इसे फांसी की सजा दे दी जाए। और आज आपके मन में जो ख्याल आ रहा है कि इसे इनाम दिया जाए, उसका भी उत्तर यह है महाराज कि मैंने पता किया था, इसके पास गया था और इससे पूछा था, तो इसने बताया था व्यापारी हूँ, चंदन की लकड़ी का बिक नहीं रही है, बहुत सारी इकट्ठी हो गई, कोई खरीदता नहीं। तो मैंने कहा था कि रोज एक मन लकड़ी चंदन की महल में दे दिया करना, राजा भोज का भोजन बनेगा। और उस दिन से इसको पैसे मिलने लगे, ये दिल ही दिल आपकी लंबी उम्र की कामना कर रहा है। और वो भाव, वो उसके संकल्प आपको टच कर रहे हैं पॉजिटिव। उस दिन उसके नेगेटिव संकल्प थे जिसने आपको उसको फांसी देने के ख्याल प्रकट किए थे, आज ये आपके जीने की दुआ कर रहा है कि जब तक आप रहेंगे उसकी लकड़ियाँ बिकते रहेंगे, उसको पैसे मिलते रहेंगे, इसके लिए आज आपको खुशी हो रही क्योंकि ये आपके लिए दुआ कर रहा है। तो दोनों प्रश्न का जवाब यही है। कहने का तात्पर्य ये कि जैसे भाव, जैसी भावना हमारी दूसरे के प्रति होती है, वो सामने वाले व्यक्ति तक हमारी भाव, हमारी भावनाएं, हमारे अंदर जो चल रहा है, हम भले ही मुंह से ना बोले लेकिन दूसरे तक जरूर पहुंचती है। तो इसीलिए कहा जाता है बुरा मत सोचो, मत सोचो पहले, बुरा मत बोलो, बुरा मत करो। क्योंकि सोचने के पहले भी सोचना चाहिए कि क्या ये सोच, ये संकल्प, ये विचार, ये थॉट पॉजिटिव है, किसी का भला करेगा, और अगर नहीं कर सकता तो उस विचार को उसी समय खत्म कर दीजिए। और जब आप ये प्रण कर लेंगे कि दुनिया में मुझे हर व्यक्ति के प्रति शुभ संकल्प रखना है, हर व्यक्ति के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखना है, विश्वास कीजिए दुनिया में कोई एक भी व्यक्ति आपका दुश्मन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी वाइब्रेशन दूसरे तक पहुंचती है। और जब आप सबके प्रति शुभकामना कर रहे हैं तो और आत्माएं भी आपके प्रति शुभकामना करेगी। ये मनोवैज्ञानिक सत्य है, ये मनोवैज्ञानिक तथ्य निकल के आया है कि हमारे संकल्पों में सबसे ज़्यादा पावर होती है। अगर दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति है तो वो हमारी संकल्प शक्ति है। अपने संकल्पों को व्यर्थ मत गवाइए। पैसा चला गया, आ जाएगा। संकल्प आपने किसी के प्रति बुरा किया, उसके साथ बुरा हुआ, तो उसका बुरा जो हुआ तो रिटर्न में आपका भी तो बुरा होगा, उसको आप मिटा नहीं सकते। तो कोशिश करिएगा अपने विचारों को श्रेष्ठ, सकारात्मक बनाइए, पॉजिटिव बनाइए, दूसरे की कल्याण की भावना रखिए, आपका कल्याण स्वतः ही होगा। अच्छा, ओम शांति, नमस्कार।